आ गई है भूया डे 2021 की यूएमपी। और गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को इसको निकालना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा। तो भाई वीडियो को पूरी देखना, मैं आपको सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग मतलब इसको कट कर लेते हैं और गाइस उसके बाद देखते हैं क्या क्या मतलब इंटरफेस आया। मेरे को अभी यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, ऑथो का टॉपअप आया और गाइस यहाँ पे मतलब इसको भी हम लोग क्विट करते हैं। और गाइस यहाँ पे मतलब हम लोग भूया वाला वो आया फालतू का यार। तो भाई देख सकते हो लक रॉयल में नया मतलब न्यू का एक्स मतलब सेक्शन लग गया है। तो यार यूएमपी का फेडेड व्हील आने से पहले हम लोग को ईवो गन में यूएमपी ऐड देखने को मिल गई थी और गाइस वहाँ पे आप लोग इसकी पूरी डिटेल लेके मतलब जा सकते थे। और गाइस यहाँ पे आपको बता दूंगा कि निकालने वाली है या नहीं। तो भाई देख सकते हो मतलब इसका ट्रेलर काफी अच्छा बना गया, एस्ट्रोनॉट में मतलब पहुंचा दिया गया ब्रह्मांड में यूएमपी को। और गाइस उसके बाद यहाँ पे मतलब एक चील आया जो कि चील कौवा आप जो भी इसको बोलो। उसके बाद देख सकते हो मतलब लुक इसका काफी अच्छा रखा गया और गाइस यहाँ पे इसके हुड है मतलब अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो भाई देख सकते हो हमारा लुक काफी अच्छा रखा गया लेवल 7 पे। और गाइस इसके हेड के ऊपर मतलब किंग भी बना हुआ है, तू आके देख ले वाला किंग नहीं, जो हमारा क्लाउन वाला किंग होता है वो मतलब उसका ताज बना हुआ है। तो भाई ओवरऑल यूएमपी काफी अच्छी बनाई गई और गाइस इसके एट्रीब्यूट भी आप लोग देख लो, रेट ऑफ फायर, सिंगल, डबल डैमेज। और गाइस एट्रीब्यूट से यहाँ पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि भाई इतने ओपी एट्रीब्यूट मतलब यूएमपी इतनी अच्छी बनाई गई लेकिन एट्रीब्यूट इतने टट्टी, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा है एट्रीब्यूट अच्छे नहीं रखे गए। तो यार सबसे पहले हम लोग स्पिन मारते हैं हमारा एक डायमंड का मतलब फ्री डायमंड वाला और गाइस उसमें तो मेरे को मिल गई अगर, तो मैं अब आपको लड्डू बटवा दूंगा पूरे शहर में, लेकिन गाइस पता है मेरे को नहीं मिलेगी। उसके बाद 9 डायमंड का भी स्पिन मारेंगे और गाइस यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा कि आप लोग इसको निकालो या नहीं, अपने 900 डायमंड वेस्ट करो, 1000 डायमंड वेस्ट करो या नहीं। तो भाई सबसे बड़ा पॉइंट आपके आगे मैं रखूंगा जिसको देख के आपकी आंखें से चौड़ी हो जाएगी, आपकी आंख खुल जाएगी। तो भाई यहाँ पे मतलब कहते हैं कि ईवो गन के टोकन रिमूव अगर आप रिमूव करोगे तो हम लोग को जल्दी मिल जाएगी। तो यार चलो मैं इसको मतलब फ्री स्पिन मार के देखता हूँ, जो कि मिलेगी नहीं कन्फर्म है मेरा। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे मेरा फ्री स्पिन हुआ और गाइस उसके बाद यहाँ पे घूम के देख सकते हो मतलब M4A1 का मेरे को क्रिएट मिल गया और गाइस इसको तो मैं ओपन नहीं करूंगा क्योंकि यार क्रिएट मतलब जब ज्यादा दिन बाद ओपन करूँ तो परमानेंट ज्यादा चांस रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरे को नहीं मिली और गाइस उसके बाद चलो मैं आपको मतलब 9 डायमंड का भी स्पिन मार के दिखा देता हूँ कि क्या मेरा लक इतना अच्छा है कि मेरे को 9 डायमंड में मिल जाए। तो यार चलो मैं मार के दिखा देता हूँ। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे गोल गोल रानी घूम रहा अच्छा खासा और गाइस उसके बाद देख सकते हो हम लोग को मिल गई है ईवो यूएमपी। तो भाई यहाँ पे मजाक हो रहा मेरे साथ, मेरे को यहाँ पे पता है कि लास्ट स्पिन में मेरा मिलेगा, जैसे कि 499 का मैं स्पिन मारूंगा लास्ट वाला तब मेरे को मिलेगा। तो गाइस सबसे पहला मैं आपके सामने एक मतलब चीज क्लियर करता हूँ कि जो हम लोग को दिवाली पे यूएमपी मिली थी उसमें आपके मैं एट्रीब्यूट चलो आपको दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप लोग इसके एट्रीब्यूट देखो जो हमारी लेवल 4 पे अनलॉक होंगे, डबल डैमेज, सिंगल रेट ऑफ फायर। तो गाइस ये हमारे हो गए यूएमपी के जो कि एवोल्यूशन करने इसके एट्रीब्यूट हो गए और गाइस यहाँ पे रिलोड स्पीड भी आपको माइनस मिलेगी। तो भाई चलो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारी फ्री यूएमपी मिली थी वो कैसी होने वाली रहेगी। तो गाइस एसएमजी में जाके हम लोग देखते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो आर्ट ऑफ वॉर वाली मतलब दिवाली में हम लोग को फ्री में यूएमपी मिलेगी, तो इसके एट्रीब्यूट्स जरा आप लोग नोटिस करो कितने ओपी एट्रीब्यूट रखे गए हैं, सिंगल डैमेज, डबल रेट ऑफ फायर और गाइस इसमें माइनस रिलोड स्पीड भी नहीं रखी गई। आप लोग खुद सोचो अगर आपने दिवाली वाली यूएमपी निकाली है तो आप लोग उसको मत निकालो क्योंकि भाई जस्ट इमोट के लिए। और गाइस इमोट भी आपको लेवल 7 पे मिलेगा, मतलब आप लोग कितने डायमंड लगाओगे आप लोग खुद ही सोचो, कम से कम आपके 20,000 मैंने बहुत बता दिए, 15,000 डायमंड लगेंगे तब आपको इमोट मिलेगा। तो गाइस आपको अगर कलेक्शन बढ़ाना है अपने उसका तो आप लोग बढ़ा सकते हो, लेकिन गाइस जस्ट कलेक्शन के लिए आप लोग 900 डायमंड दो, अगर आपके पास डायमंड है तो दे दो। लेकिन गाइस यहाँ पे यूएमपी मतलब काफी अच्छी भी बनाई गई है, लेकिन गाइस आप लोग खुद सोचो जो मतलब ईवो गन को अपग्रेड करने का प्रेशर होता है सर पे, आप लोग को वो लेके चलना पड़ेगा। और गाइस उसके बाद आप लोग इमोट देखते हो तो इमोट तो काफी अच्छा बनाया गया, लेकिन भाई जो हमको एट्रीब्यूट देखने को मिल रहे हैं इससे बेहतर एट्रीब्यूट हम लोग को फ्री वाली यूएमपी में मिल रहे हैं। तो आप लोग खुद ही सोचो इसको क्यों निकालना पसंद करोगे आप। गाइस बहुत बड़ा पॉइंट आपके सामने मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और गाइस अगर आपको पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख लो एवोल्यूशन गन की, हाँ मैं मानता हूँ कि बात अलग होती है लेकिन गाइस एट्रीब्यूट भी तो कुछ मायने रखते हैं ना। तो यार एट्रीब्यूट यहाँ पे मतलब इसके डबल डैमेज, सिंगल रेट ऑफ फायर कैसे एट्रीब्यूट है, डबल रेट ऑफ फायर सिंगल डैमेज होता है तब भी मैं कहता, लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़ा गंदा यूनिक कर रहा है, मतलब हम लोग को सिंगल डैमेज और मतलब डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर दे रहा है। और गाइस यहाँ पे आप लोग ये यूएमपी जस्ट देखो लुक में आप मन जाओ क्योंकि भाई ये काम आपका एट्रीब्यूट सेम करेगी, क्योंकि अगर आप लोग एवोल्यूशन गन पकड़ोगे तब भी आपको मतलब उससे अच्छी ये वाली आपको काम करेगी। तो आप लोग आर्ट ऑफ वॉर वाली मतलब यूएमपी चलाओ और गाइस अपने डायमंड सेव करके रखो लेजेंडरी बंडल के लिए। 20 तारीख से हम लोग को मिल जाएगा लेजेंडरी बंडल का एक्सटेंशन जहाँ पे आपको भूया वाला बंडल दिया जा रहा है जो कि 4 इमोट हम लोग को मिलते हैं और गाइस बहुत ओपी बंडल वो रखा जाएगा। गाइस डायमंड बचा के आप लोग भूया वाले बंडल में ट्राई कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा पॉइंट आपके सामने क्लियर कर दिया। सो गाइस यही थी वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.